अभी वापस आ जाओ। हाँ अभी वापस आ जाओगे तो हमको जिंदगी चलाने के लिए तुमसे कुछ पैसे और मिल जाएंगे, इसलिए आ जाओ। ऐसे सीधे सीधे बताया करो। क्या पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी भिखमंगे नहीं थे, अभी अभी भिखमंगे हो गए हैं, इसलिए थोड़ी और भीख इकट्ठी कर लेंगे तो पता नहीं आगे चल के कहाँ सत्ता चली जाएगी, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कम से कम रोटी दाल का ठिकाना तो हो जाएगा। और मोर जब डांस करता है वो डांस का मतलब क्या है? अरे जल्दी जल्दी बताओ। हैं हैं खुशी में नाचता है, ज्ञान डांस करता है। कौन सा डांस करता है? ज्ञान डांस करता है। परंतु जो ज्ञान डांस करता है वो ज्ञान डांस कांटों के जंगल में करता है या फूलों के बगीचे में करता है? हैं कांटों के जंगल में करता है। अचानक कहीं ना कहीं कांटे लगते ही रहते हैं, तो किसी को कांटा लग जाएगा अचानक तो आंख में से आंसू लुढ़केगा कि नहीं? है लुढ़केगा। उस आंसू को वो मोरनी पी लेती है। इस स्वरूप को दर्शाने के लिए चित्रकारों ने नारायण जो सांपों की सैया पर लेटा हुआ है, वो सांप किसकी निशानी है? हैं? भिखारियों की निशानी है। शंकर को सांपों से लपेटा हुआ दिखाया गया है। वो सांप किसके संग में आने की निशानी है? हैं? भिखारियों के संग में आने की निशानी है। जैसे कि चंदन के पेड़ में सांप लिपटे रहते हैं, उनको बड़ी ठंडक मिलती है। तो ये चित्रकारों ने चित्रकारी दिखाई है। कि सांपों की सैया पर नारायण पड़ा हुआ है भिखारियों के बीच में, भिखारी सर्पों के बीच में, तो भिखारी दुख देने का काम करेंगे या बुद्धि को सुख देने का काम करेंगे? दुख देने का काम करेंगे। लेकिन एक ही लक्ष्मी दिखाई गई है जो उनके बुद्ध रूपी पांव को दबाती है, सहलाती है, सुख देती है। ईश्वरीय सेवा की पराकाष्ठा में रह करके तो उनको सुख भासता है। ऐसे ही मोरनी को आंसू पीते हुए दिखाया जाता है। और प्रैक्टिकल में आज की दुनिया में मोरनी मोर का आंसू पीती है और फिर नई सृष्टि की रचना करती है। पवित्र रहने वाले मोर मोरनियों को जन्म देती है। और जोर से बोलो ना, दुकान में तो जोर से बोलते हैं।
हाँ जी क्या पूछा समझा। हाँ अरे सन्यासी है या लक्ष्मी नारायण जैसा प्रवृत्ति मार्ग का है। सन्यासी है भगवान ने बाप ने जो गंगाधर है। गंगाधर कहा जाता है ना, जो गंगाधर है वो निवृत्ति मार्ग वाले देवताएं पैदा करता है या प्रवृत्ति मार्ग वालों को पैदा करता है। अरे बाप किसको जन्म देता है, प्रवृत्ति मार्ग के देवताओं को जन्म देता है। इसलिए गंगा का जो पुत्र है गंगा पुत्र देवव्रत कहा जाता है, वो अम्मा पुत्र है। जितने भी सन्यासी बैठे हुए हैं बीके में वो अम्मा पुत्र हैं, गंगा पुत्र हैं या भगवान बाप को पहचानने वाले बाप के पुत्र हैं है? अम्मा पुत्र है? अरे वो गंगा पुत्र जो बैठे हुए हैं सन्यास आश्रमों में या गृहस्थ आश्रम में बैठे हुए सन्यास आश्रम में बैठे हुए हैं वो अम्मा को पहचानते हैं या बाप को भी पहचानते हैं है? अम्मा को पहचानते हैं, वो बाप के पुत्र हैं ही नहीं। कहते भी हैं अपने को ब्रह्मा कुमार। क्या प्रजापिता कहाँ भूल गया, मुरली में शिव बाबा ने याद भी दिलाया कि तुम अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों लिखते हो, लिखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता क्योंकि प्रैक्टिकल में आए हुए बाप को पहचानने का पार्ट उन सन्यासी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं है। इसलिए संसार में विख्यात होते हैं गंगा पुत्र और गंगा के किनारे ही जाकर के चौकड़ी मार के बैठते हैं मेंढकों की तरह और चिल्लाते भी क्या हैं मेंढक, क्या चिल्लाते हैं ट्रां 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 ट्रां। जो बेसिक नॉलेज में बैठने वाले ब्राह्मण हैं, थोड़ा मनन चिंतन मंथन जिनका चलता है, नर से नारायण बनने की योग्यता है, उनको अगर एडवांस ज्ञान मिल जाता है तो उनकी बुद्धि में बैठ जाता है ये तो ट्रां ट्रां कर रहे हैं, हमें नहीं सुननी इनकी ट्रां ट्रां। वहां से भाग खड़े होते हैं या ट्रां ट्रां सुनते रहते हैं, भाग खड़े होते हैं है? अर्जुन जो है वो आखिरी अध्याय में जाकर के नष्टो मोहा बनता है और मार देता है, बाण मारता है, घाव कर देता है, जान से मार देता है, प्रयास करता है या उनकी आवभगत करता है, तो जब तक भक्त है तब तक ही ऐसा करता है और ज्ञानी होता है तो उसको ना रोने की दरकार है और ना मोह करने की दरकार है। मुरली में भी बोला है, क्या बोला है, इन गुरुओं को मारो गोली।
है पेट का धंधा कोई चाहे तो चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है, या ये समझ के बैठ जाए हमको पूर्वजों की प्रारब्ध से ये धंधा मिला हुआ है, हम कसाई के बच्चे बने हैं तो गाय काटना हमारा धर्म है धंधा है, या शराब बेच रहे हैं शराब बेचने का हमारा धंधा है, ये हमें पैतृक संपत्ति में मिला हुआ है, ये हम छोड़ नहीं सकते, क्या ये सही बात है? छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता? अगर कोई कहे नहीं छोड़ सकता तो मुरली में तो बोला हुआ है शराब के धंधे को युक्ति से चेंज कर दो, शराब का धंधा सब विकारों की बाढ़ लाने वाला है, और शराब के धंधे में पैसे की कमाई तो बहुत होती है, तो धंधा चेंज किया जा सकता है, अगर चेंज न किया जा सके तो बाबा क्यों इशारा देते हैं सब धंधों में है नुकसान है? अरे सब धंधों में नुकसान है या नहीं है? कोई पकड़ के बैठ जाए हमारा तो पैतृक धंधा है, हमें तो 63 जन्मों की खाती मिली हुई है आखिरी जन्म में, हम तो छोड़ ही नहीं सकते। बाप कहते हैं जब 0% रह जाएगा नुकसान होते होते, 50 रुपए रोज लगाएंगे और 1 पैसा भी नहीं बचेगा तो धंधा छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया तो क्या फायदा हुआ? तो क्या करना चाहिए? जिन धंधों में नुकसान है वो धंधे अभी से प्रयास करना है कि नुकसानदायक धंधे छोड़ करके जो फायदेमंद धंधे हैं या धंधा है वो धंधा पकड़ना है, जो हमारे बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा। अगर लौकिक बात ही बुद्धि में रहता है तो लौकिक धंधा याद आवेगा, लौकिक बाप देह का बाप है, और अगर पारलौकिक बाप के बच्चे हैं तो जो पारलौकिक बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा। तो अपने अंदर झांक के देखना है कि हम कितने परसेंटेज पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं और कितना परसेंटेज में हम लौकिक बाप के बच्चे हैं। नहीं तो नियम यही है, जो बाप का धंधा 100 बच्चे का धंधा। हाँ जी बाबा कहते हैं 50 साल कम हो गए, तो वो 69 से मिलाए तो 2018 में पूरे हो गए हैं, 2018 में पूरे हो गए 50 साल। हाँ श्री कृष्ण का जो जन्म है वो 36 के बाद हुआ तो 50 साल कैसे? अभी जो वर्तमान समय है उसमें कृष्ण की सोल कुछ न कुछ समय के लिए शरीर में प्रवेश करती है या नहीं करती है? हाँ अभी एक मुकर्रर शरीर में प्रवेश होकर के पार्ट नहीं बजाती है, अनिश्चय आता है एडवांस ज्ञान में ईश्वरीय ज्ञान में, तो सूक्ष्म शरीर धारण करके सूक्ष्म शरीर के बंधन में आकर के गुलजार दादी में प्रवेश कर जाती है, जैसे और भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, तो जिसमें प्रवेश करती हैं उनका चेहरा मोरा बदल जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, चेहरा लाल लाल हो जाता है,
तो वो भी शरीर में प्रवेश करती है। जब बीज रूपी स्टेज बनती है तो रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करती है, उनमें भी मुख्य मुख्य शरीर रूपी रथ है जिनमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है। सबसे मुख्य कौन है? प्रजापिता। इसमें प्रवेश करती है तो अर्धचंद्र के रूप में संसार में जगत पिता का रूप दिखाया जाता है। फिर जगत माता महाकाली का रूप धारण करती है तो मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है। अधूरा या पूरा? अधूरा चंद्रमा। ऐसे ही नंबरवार बच्चे भी हैं रुद्रमाला के, जिनमें मम्मा बाबा की प्रवेशता टाइम टू टाइम होती रहती है, पार्ट बजाती रहती है, परंतु ये नहीं कहेंगे कि कोई मुकर्रर रस धारण कर लिया। कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, जब वो 50 वर्ष पूरे होते हैं तो और में प्रवेश न करके वो आत्मा सिर्फ मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है और महानारायण का पाठ क्लियर हो जाता है। महानारायण कहो या महालक्ष्मी कहो, एक आत्मा का पार्ट है या डबल आत्माओं का पार्ट है? हैं? डबल आत्माओं का पार्ट है। कृष्ण वाली आत्मा भी इसलिए भक्ति मार्ग में विष्णु का अवतार मानी जाती है, राम वाली आत्मा भी भक्ति मार्ग में विष्णु का अवतार मानी जाती है, लेकिन भक्त लोग जानते नहीं है कि दोनों आत्माएं एक विष्णु कैसे होते हैं। ये बाप ने आकर के राज बताया है कि राम और कृष्ण के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो दोनों ही आत्माएं एक शरीर में एक आकार होकर के प्रत्यक्ष होती है। बच्चा बाप समान इस चीज को धारण कर लेता है। तो बच्चे को कृष्ण कहेंगे या बाप कहेंगे? है 18 के बाद बाप समान स्टेज वाला कृष्ण बच्चा कहेंगे। वो एक ही शरीर में बच्चा भी है और एक ही शरीर में बाप भी है। अरे आपस में बीच में बात करना शुरू है तो वैसे ही कान में आवाज नहीं आ रही। हाँ, कौन बोलते हैं? कौन बनते हैं? माने इनमें सब में बताएं तुम्हारा बच्चा कौन बनता है, बच्ची कौन बनती है? बाप दादा ने तो बताया है कि बाप दादा एक एक का पार्ट नहीं खोलेंगे, कागज पर या बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे। हर आत्मा अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, चलन से, वाचा से, एक्शन से अपने अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगी। हाँ, आप हैं?
आदमी दूर के पास जाते हैं, ज़्यादा रुदन करने पर ज़्यादा आदमी बढ़ते, ज़्यादा खुशी होती है तभी आदमी आते हैं, ज़्यादा रोएंगे तभी आदमी बढ़ते हैं। हाँ, विनाश के टाइम पर जब सारी दुनिया में ताबड़तोड़ विनाश होगा और दुनिया हाय हाय कर रही होगी, उस समय हमको बाप के प्यार की असली महसूसता होगी या अभी महसूसता हो रही है? है? उस समय असली महसूसता होगी, और जब असली महसूसता होगी उस समय हमारी खुशी का पारावार पारावार नहीं रहेगा। जो सुख हमें उस समय अनुभव होगा, और इस समय जो हम बीच बीच में रो पड़ते हैं अंदर से, दिल से, आंखों के आंसू से नहीं, कि ब्राह्मण जन्म मिला कितने ठिब्बे खाने पड़ते हैं, उस समय की स्टेज की खुशी और इस समय की स्टेज की विनाशी खुशी, कितना अंतर होगा? जमीन आसमान का अंतर होगा। तब हम टैली करेंगे कि पहले हम भगवान बाप को क्या समझते थे और अब क्या समझते हैं। तो खुशी के आंसू आएंगे या दुख के आंसू आएंगे? खुशी के आंसू आएंगे। और है कि जो कृष्ण के साथ को जो कृष्ण का वर्णन है, संगम युग श्री कृष्ण की महिमा है, है? संगम युग श्री कृष्ण की महिमा है, कृष्ण की महिमा है। लेकिन शास्त्रों में जिसमें कृष्ण के बारे में बताया गया है, शास्त्रों में जो श्री कृष्ण बताया गया है, वो श्री कृष्ण या वो शास्त्र मनुष्यों ने लिखे हैं या भगवान ने लिखे हैं? हाँ, तो क्या पूछना है? क्या बताया गया है? हथेली में बने लेके बताते ना, तो संगम श्री कृष्ण की महिमा है। और उधर ये देखते दादा लीला, हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आया, वो कब की बात है? 76 में आया, 76 में हथेली पर बहस लेके कृष्ण की आत्मा आई। कृष्ण की आत्मा 76 में ब्रह्मा के रूप में 90 साल का पार्ट बजाती है या 100 साल का ब्रह्मा का पार्ट पूरा करती है? 90 साल का ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म होता है, नरक में खत्म होता है या स्वर्ग में खत्म होता है? नरक में खत्म होता है। तो ब्रह्मा की आत्मा के लिए 76 भी नरक है। और कब तक नरक है? 87 तक ये दुनिया नरक ही नरक है। 87 में ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा 100 साल पूरी करती है। तो ब्रह्मा नरक में खत्म हो जाता है। अब नरक खत्म हो गया तो क्या शुरू होगा? अमर लोक शुरू होगा। उस अमर लोक में दिखाया गया है कि वो छोटा सा बच्चा है, उसमें गर्भ भी दिखाया जाता है। क्या पैदा हुआ नहीं है? कहाँ है? गर्भ के अंदर है। माने कोई माता है, वो माता का गर्भ महल दिखाया गया है। वो माता कौन है? जगदम्बा। लेकिन वो माता जो जगदम्बा है और वो जो कृष्ण बच्चा है, उन दोनों की हालत दिखाई गई है कि कृष्ण बच्चा तो बड़े आराम से गर्भ महल में
आपने की स्मृति का अंगूठा चूस रहा है, प्रसन्न है, नरक की दुनिया में अपने को महसूस नहीं कर रहा है। और उस गर्भ को धारण करने वाला जो पीपल का पत्ता है, उसकी क्या स्टेज है? वो संसार सागर में हिलोरें आती है, तो पीपल का पत्ता डूबता उछलता हिलता डुलता नजर आता है। लेकिन बाबा कहते हैं सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। उसी समय से लेकर के वो पीपल के पत्ते के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जो रुद्रमाला का आखिरी मणका है, सबसे कमजोर मणका है या पावरफुल मणका है? सबसे कमजोर है, ज्यादा हिलता डुलता है। थोड़ा सा भी हवा का झोंका आता है तो जितने भी वृक्ष हैं उन सब वृक्षों के बीच में कौन सा वृक्ष है जिसका पत्ता जरूर डोलता है? वो पीपल का पत्ता कहा जाता है। तो पीपल के पत्ते का मिसाल दिया जाता है जगदम्बा के लिए। वो जगदम्बा में कृष्ण की सोल गर्भ महल के रूप में दिखाई गई है। आपके प्रश्न का समाधान हुआ? वो ही तो संगम युगी कृष्ण हुआ ना। हाँ, फिर बाद में पैदा नहीं होता है 98 में? 98 में पैदा होता है, वो उसका पहला जन्म है। फिर द्विजन्मा भी कहा जाता है, दूसरा जन्म भी होता है जब यज्ञोपवीत धारण करता है। यज्ञोपवीत कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर रूपी तीन दागों का ज्ञान जिसकी बुद्धि में अच्छी तरह बैठ गया हो। तो अभी उस आत्मा को संशय आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। जब संशय की निवृत्ति हो जाएगी, अच्छे से बुद्धि में बैठ जाए कि ब्रह्मा का पार्ट क्या है, विष्णु का पार्ट क्या है, शंकर का पार्ट क्या है, तब कहेंगे कि ब्राह्मणत्व में वो पहला पत्ता पक्का हो गया, वहां से नई सृष्टि की शुरुआत कहेंगे, फाउंडेशन कहेंगे, वहां से विष्णु की पालना होती है। और है जो बीड़ी है, सिगरेट है, अफीम है, चरस है, गांजा है, प्रैक्टिकल दुनिया में देखो कि ये चीजें परिवार में ज्यादा दुख अशांति पैदा कर रही हैं, या जो परिवारों में शराब पीने की लत वाले हैं वो ज्यादा नरक पैदा कर रहे हैं? अरे इनको जवाब देने दे जिसका प्रश्न है, बोलो। है शराब पीने वाले ज्यादा दुनिया में अशांति पैदा कर रहे हैं? और हाँ,
अभी शूटिंग पीजे चल रहा है या नहीं चल रहा है? हैं? चल रहा है। जो शूटिंग हो रही है वो मनसा में जो संकल्प आते हैं, विकल्प आते रहते हैं, उनके आधार पर शूटिंग हो रही है। रात्रि में सोते सोते स्वप्न आते हैं, उस स्वप्नों का भी आधार संकल्प होते हैं। तो ये स्वप्न और संकल्पों की गति के आधार पर हमारी शूटिंग होती रहती है। क्या है तो हम तुरंत बीज रूप स्टेज में स्थिर होकर के उस विकल्प या संकल्प को खत्म कर दे, वो संबंध कट हो जाएगा और बाबा के साथ संबंध जुड़ेगा, परंतु वो ज्यादा समय स्थायी नहीं रहता। फिर वही संकल्प विकल्प कूद पड़ता है। रोकना चाहो तो रोक दो, अच्छे से अच्छा संबंध जोड़ना चाहो तो जोड़ लो। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? है? कोई भी हो, बाहर के हो या अंदर के हो, स्मृति में आते हैं तो रील घूम रही है। बाहर की दुनिया के संबंधी संपर्क की बुद्धि में स्थान बना लेते हैं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। नॉन सरेंडर जो दुनिया के बीच में रह करके धंधा करते हुए जीवन चला रहे हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन जो सरेंडर्ड वर्ग है, ज्ञान की दुनिया में ही पल रहा है, वो अगर ज्ञान की दुनिया को छोड़ देता है, बाहर की दुनिया में चला जाता है, बाहर की दुनिया वालों के संसर्ग संपर्क में आता है, तो उसकी शूटिंग बंद हो जाएगी क्या? है? नहीं बंद हो जाएगी। राज परिवार में है तो राज परिवार के बीच संकल्प ज्यादा चलेंगे, और प्रजावर्ग के परिवार में है तो वहां की शूटिंग के संकल्प ज्यादा चलेंगे। और प्रजावर्ग में भी कोई इस्लाम धर्म की प्रजा है, कोई बौद्ध धर्म की प्रजा है, कोई क्रिश्चियन धर्म की प्रजा है, कोई नास्तिक वर्ग की प्रजा है। अगर ऐसी प्रजा नास्तिक वर्ग के बीच में जाके जीवन बिताना पड़ता है तो कहां के संबंधी बनेंगे? है? नास्तिकों की दुनिया के संबंधी बन पड़ेंगे? संबंधी है से मतलब नहीं, बुद्धि में आता है या नहीं इससे मतलब है। संबंधी है तो होता रहे, कोई असर नहीं। लेकिन अगर वो बार बार स्मृति में आता है और स्मृति में कोई न कोई एक्ट में आता है तो संबंध जुड़ता है। और कौन सी कृष्ण आती है ना? ब्रह्मा बाबा भी संगम युग पूरा होने के बाद 20 जन्म लेंगे, और राम वाली आत्मा भी
संगम युग पूरा होने के बाद 20 जन्म लेगी, लेकिन कृष्ण की आत्मा का संगम युगी जो जन्म है वो प्रैक्टिकल जीवन में नहीं माना जाएगा, अपने शरीर से नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपना शरीर उनका है ही नहीं, सिर्फ बुद्धि से समझने की बात है। और राम वाली आत्मा का अपना शरीर होता है, इसलिए वो 21वां जन्म कहो या 21 जन्मों में से पहला जन्म कहो माना जाता है। और बुद्धि में आया है है परिवार नियोजन का अभ्यास गीता है, इसको अखबार में प्रचार प्रसार करने के लिए हर कार्य का है। परिवार नियोजन का हद का अर्थ क्या लें? परिवार नियोजन का शास्त्र इसका प्रचार प्रसार अखबारों के द्वारा, माने असली परिवार नियोजन गीता ज्ञान के द्वारा होता है। जो दुनिया की सरकारें हैं परिवार नियोजन के लिए प्रयत्न कर रही हैं, वो उनके हद के प्रयत्न हैं। दुनिया की आबादी कम नहीं हो सकती, कितना भी परिवार नियोजन में खर्चा करें और कितना भी प्रयत्न करें, परिवारों की संख्या और दुनिया की जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी। लेकिन जो गीता ज्ञान है वो गीता ज्ञान क्या करता है? पक्का परिवार नियोजन करता है, नहीं तो ब्राह्मणों की दुनिया के परिवारों की छानबीन करके देखा जाए परिवार नियोजन ब्राह्मणों की दुनिया में देखा जाएगा ज्यादा परसेंटेज में या बाहर की दुनिया में देखा जाएगा? ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल में देखा जा रहा है, भले कितने भी फेल होने वाले ब्राह्मण हो तो भी परिवार नियोजन जो अभी अधूरा ग्रहण ज्ञान को ग्रहण करने वाले ब्राह्मण हैं उनकी दुनिया में ही ज्यादा देखा जा रहा है। जब संपूर्ण ज्ञान को धारण करेंगे तो 100% परिवार नियोजन ब्राह्मणों की दुनिया में होगा और बाहर की दुनिया का विनाश ही हो जाएगा। तो उसको समझो, पहले खुद समझ करके डाटा इकट्ठे करो, प्रैक्टिकल प्रूफ इकट्ठे करो, फिर संसार मानेगा। ऐसे कह देने से कोई मानने वाला नहीं है। और है जो निराकारी स्टेज वाला है वो निर्मोही स्टेज से अपनी दुनिया बनाता है कि मोह वाली दुनिया से स्टेज बनाता है? निर्मोही स्टेज बनेगी तो निरंजन बनेगा, अंजन माने आंख का अंजन, काजल, कोई भी कालिमा जीवन में नहीं रहेगी, निराकार निरंजन माना कोई भी कर्म बंधन जीवन में नहीं दिखाई देगा जो दुख पैदा करे। और आगे निराकार निरंजन निर्मित क्या बोला, पूरा बोलो। हाँ अर्थ समझ गए? अरे आज समझ गए इसका? हाँ और आगे हो गया, तो घबरा गए तुम तो। अच्छा हाँ और है?
सोई माने कोई, पहले ये बताओ, ऊपर से बताओ, बीच में से मत पूछो, बताना चाहते हो तो पूरी बात बताओ। सोई माने कोई, वो ऊपर वाली लाइन बताओ पहले। ज्ञान मार्ग यही चली होता है कि जो देवताओं का जीवन है वो हमको दो, वही हमको गति चाहिए है। और बंदर पांच होना चाहिए। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, माना न कानों से सुनो, न आँखों से देखो और न मुख से बुरा बोलो। अगर ये तीन प्रैक्टिकल पार्ट पक्के हो जाएं, तो कोई पाप नहीं बनेगा। सोचने से कोई पाप बनता नहीं है, बनता है, है? कर्मेंद्रियों से ज्यादा सोचेंगे 100% की स्टेज आ जाएगी तो जरूर बनेगा। तो सोचने का पाप नहीं बनता, लेकिन सोचने के बाद जो प्रैक्टिकल कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों से, उसका पाप बन जाता है। सरकार जनसंख्या कम कहाँ करती है, जितने भी हो किसी जात में, चाहे 10 बच्चे गवर्नमेंट 12 दे रही है तो बंद करती की बढ़ावा दे, कहाँ बंद करती है? इनाम के, इनाम के बाबा को कह रही की सरकार, इनको पहले समझा दो। पेपर वाले भाई साहब उनकी वजह से मैंने बताया नहीं, ना बताने की सरकार बंद नहीं करती पढ़ाने के लिए, इनाम देती चार 10 बच्चे हो तो 1,000-1,200 एक एक बच्चा हो, हर व्यक्ति को हर जान हर बंद करके उसको सुनाना पड़ता है। सरकार पर हवा दे रही है, हर बच्चे जल्दी जल्दी के 14 शुरू कर दी, 1,000 देती है, 1,200 देती है, बढ़ावा क्यों देती है? हर बच्चे को जन्म देने के लिए सरकार पैसे देती है, लेकिन 3 बच्चों से ज्यादा पैदा करेंगे तो देगी? अच्छा, जो सरकार 10 बच्चों के पैदाइश में बढ़ावा दे रही है, वो सरकार में वोट देने वाले मुसलमान ज्यादा है या हिंदू ज्यादा है? तो सरकार विदेशी हो गई, विदेशी माने कामी इस्लामी आ गए, क्रोधी क्रिश्चियन आ गए, लोभी मुसलमान आ गए, ये दूसरे दूसरे विकारी धर्म भारतवर्ष में खुद्दा जमा के बैठे हुए हैं। इसलिए यहाँ की सरकार कैसी हो गई? विदेशियों से प्रभावित होने वाली सरकार हो गई। उसकी बात छोड़ दो, इसीलिए तो भगवान बाप को आना पड़ता है। और क्या ज्ञानी नहीं है? जो काली है, जगदम्बा है, जगत पिता की तरह ज्ञानी आत्मा नहीं है? ज्ञानी 2 तरह से पहचाना जाता है। एक होता है मुख से ज्ञान सुनाने वाला,
तो कहते हैं ज्ञानी आदमी है, कहते हैं कि नहीं? मुख से सुना सुना करके ढेरों को प्रभावित कर देता है, अपनी प्रजा बना लेता है, तो प्रजा कहती है बड़ा ज्ञानी है। और एक होता है मुख से कहता नहीं है, मुख से ज्ञान सुनाता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन उसका सारा ऐसा है कि जो कर्म करेगा वो कर्म का प्रभाव हरेक व्यक्ति पर पड़े बगैर नहीं रहेगा, और उस व्यक्ति का जीवन भी चेंज होगा। क्या वो प्रैक्टिकल कर्मों का प्रभाव ज्यादा स्थायी होता है? तो एक है बोल बोल का ज्ञानी और एक है प्रैक्टिकल कर्मों में ज्ञानी। रावण कैसा ज्ञानी था? बोल बोल वाला ज्ञानी था। सारी दुनिया जानती थी कि रावण महापंडित है। ऐसे ही महाकाली भी बड़ी लंबी जीव है, बहुत ज्ञान सुनाई सकती है। कोई भी दीदी दादी दादाएं उसके ज्ञान के सामने टिक नहीं सकते। जगतपाल तीन बच्ची उसके हो माने करा थे बच्ची को निकारा बनो को, तो तुम्हारे माने आज्ञा से भक्ति नहीं कर रहा हूँ जगतपाल। आपको पता जगतपाल तुम्हारे आज्ञा बिना भक्ति नहीं कर रहा। जगतपाल ने तीन बच्चों को निकाला है? जगतपाल ने? हाँ जगतपाल। जगतपाल आपका नाम जगतपाल है? बच्चा का नाम जगतपाल हमारा। आपके लड़के का नाम जगतपाल है? उसने तीन बच्चे पैदा किए? बच्ची से निकाला ज्ञान में। तीन बच्चियों को ज्ञान में निकाला? मोहल्ले परिवार से ज्ञान में निकाला। तो आप बच्ची नहीं कर रहे हो, हमारे लिए गलती पड़ गई है। हमारे जगतपाल जो इसका बच्चा है वो बच्ची नहीं कर रहा है, और उसने आज्ञा की बच्ची नहीं कर रहा है। उसको आज्ञा कुछ कहा हमारा जगह कुछ गलती पर जो है, गलती पर जो है जगतपाल की गलती पर निकाला है। हाँ जगतपाल ने गलती कर दिया है, कुछ गलती हो गई उससे बच्चे से जगतपाल से। हाँ जगतपाल से बच्ची करने की परमिशन चाहता है। ओहो अच्छा, दुनिया में बच्चे की पैदाइश होती है तो कोई बच्चा ऐसा होता है कि जहाँ जन्म लेना हो उसको जिस बाप के घर में उस बाप से पूछ करके जाता हो? बच्ची में जाना मना, गर्भ महल में जाना। हाँ तो इसमें परमिशन लेने की दरकार नहीं है। बच्ची बाबा ज्ञान ना जान है तो बच्ची कभी किए थे ना बच्ची बच्ची ज्ञान ना जान है तो बच्चियों के ऊपर निर्भर है ना। जब करना चाहेंगी तो करेंगी, अपने मामा अम्मा बाप से कहेंगी कि हमें बच्ची में जाने दो। हाँ अरे अपनी बात कहती रहो, दूसरी बात सुनो। हाँ गाय को जानवर कहते हैं? हाँ दीपावली को पूजा करते हैं उसको भगा देते हैं। दीपावली को पूजा करते हैं उसको भगा देते हैं। अच्छा गाय के लिए मान्यता है भक्ति मार्ग में कि गऊ में 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है,
गाय के अंदर जब 33 करोड़ देवताओं का निवास है और है जानवर, तो पहली बात तो यही आती है कि जानवर की बात है या जानवर बुद्धि की बात है, है? कृष्ण के साथ गऊएं दिखाई जाती हैं और चित्रों में दिखाया है कि गऊ कृष्ण का पांव चाटती है, तो स्थूल पांव की बात है या बुद्धरूपी पांव की बात है? बुद्धरूपी पांव को चाटते हुए दिखाया गया है। वो जानवर गऊ नहीं है, लेकिन जानवरों की जैसे अपनी बुद्धि नहीं चलती मनन चिंतन मंथन में, ऐसी बुद्धि है कि कृष्ण के द्वारा जो मनन चिंतन मंथन आता है ज्ञान का, उस सारे ज्ञान के मनन चिंतन मंथन को चाटने की स्थिति है, लेकिन स्वयं मनन चिंतन मंथन नहीं करती है, इसलिए जानवर का रूप दिखाया है। जानवर मनन चिंतन मंथन नहीं करता है, मनुष्य मनन चिंतन मंथन करता है। और बताया कि गाय की पूजा करते हैं, बड़ी भक्ति करते हैं, गौ रक्षा के लिए कितने आंदोलन चलाते हैं, तो ये कहाँ की यादगार है, है? अरे जो बात पूछी जा रही उसका तो जवाब दो, बाबा के आए परे बीच में। गौ की रक्षा के लिए बड़े बड़े आंदोलन चलाते रहे, कसाई गौओं को काटने ले जाते हैं तो बड़ा मुकाबला करते हैं गौ को बचाने का, तो कहाँ की बात हुई, है? अरे अरे ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया की ही बात है। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में बाहर की दुनिया के रीत रसम रिवाज लोक लाज इतना तंग करती है दुनिया वालों को कि कन्या की शादी कराना चाहते हैं लेकिन ज्ञान में नहीं चलने देना चाहते। शादी कराना माने गऊ का कोष करा देना, गऊ की हत्या कर देना। उस गऊ की हत्या करने से जो ब्राह्मण उसे बचाने का प्रयास करते हैं तो वो हो गया गऊ रक्षा आंदोलन। गऊ की रक्षा करने के लिए, गऊ को हत्या करने से बचाने के लिए अपने प्राण भी दे देते हैं। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में जेल में पड़े हुए हैं लेकिन गाय की रक्षा कर रहे हैं, मुख से निकालते नहीं है कि गौ इस रास्ते पर वहां गई है, भले जेल में रह करके जेल की रोटियां खानी पड़े। तो कहाँ की बातें हैं, है? यहाँ की बातें हैं। ऐसी गऊओं को और ऐसी गऊओं की माता कामधेनु गऊ जिसमें 33 करोड़ देवताएं दिखाते हैं, उसको दीपावली के दिन बगा देते हैं।
क्या मतलब हुआ? है भगवान के पास आने का तो घर वालों ने भी कर दिया। अरे दीपावली के दिन, दीपावली माने जब सबके ज्ञान दीपक आत्मा रूपी दीपक जग जाते हैं, सब भगा देते हैं। दीपावली नौ दुर्गा से पहले होती है। नौ दुर्गा में पूजन करते हैं। दीपावली से पहले नव दुर्गा पूजन होता है, पहले पूजन करते हैं, पूजा करते हैं, बाद में जब आत्मा रूपी दीपक जग जाते हैं तो गौ को भगा देते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे दिखाते हैं सीढ़ी के चित्र में कि पहले देवियों की पूजा करते हैं, बच्चों को दूध रोटी नहीं खिलाएंगे, देवियों के लिए बड़े बड़े बढ़िया मकान बना बना करके दे देंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, सोना गहना पहनाएंगे, अच्छी अच्छी साड़ियां पहनाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान खिलाने का प्रयत्न करें, वो प्रबंध करेंगे। लेकिन जब भगवान प्रत्यक्ष होता है तो उन देवियों को डुबा देते हैं। यही बात है दीपावली की है। हाँ जैसे ज्ञान में नहीं है पहले और शादी कर दी लड़की, लड़की ज्ञान में चलती है, अज्ञान अज्ञानता में शादी कर दी, तो ज्ञान में छे नहीं तब शादी कर दी। माँ बाप ज्ञान में हो या ना हो लेकिन लड़की ज्ञान में चलती कि नहीं चलती? कोई नहीं चलता, मतलब जैसे वो शादी कर दी तो क्या पाप है? कोई पाप नहीं। भक्ति मार्ग में तो कन्या की शादी करना पुण्य मानते हैं, कन्या दान करना बड़े से बड़ा दान मानते हैं। तो जिनको ज्ञान नहीं है उनका तो कोई पाप नहीं। जिन माँ बाप को इतना ज्ञान है और ज्ञान होने के बावजूद भी कन्या के ज्ञान में चलते हुए भी उसकी शादी करा देते हैं, तो उनसे भगवान पूछेगा, धर्मराज पूछेगा कि तुम स्वर्ग में जाने के लिए रोज गमन करते हो क्लास में और बच्ची को नरक में ढकेलते हो। लेकिन बाबू बच्ची मानते हैं कि बच्ची ज्ञान को उठाती नहीं, मतलब ज्ञान में आने नहीं चाहते। माँ बाप तो चाहते हैं कि बच्ची ज्ञान में आए लेकिन बच्ची नहीं चाहते। कोई माँ बाप ऐसे होते हैं रोज खुद क्लास में जावेंगे, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को नहीं ले जावेंगे, कोई दूसरे काम में लगा देंगे। जब बचपन से ही नहीं ले जावेंगे तो बच्ची के संस्कार चेंज होंगे नहीं होंगे? खुद विकार में जाते रहेंगे। ज्ञान में चलने के बावजूद भी घर का वातावरण विकारी बनता रहेगा, बच्चे ज्ञान में चलेंगे नहीं चलेंगे? तो सारी बातें देखी जाती हैं। नहीं तो नियम यह है कि रचयिता के कंट्रोल में रचना रहनी चाहिए, लेकिन मोस्टली ज्ञान में चलने वाले अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं। मुरली में बोला हुआ है डागली पढ़ाई और गॉडली पढ़ाई। डागली पढ़ाई माने कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई। माँ बाप का तो
माँ बाप का तो पूरा ही प्रयास है बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे भी नहीं, अगर नहीं माने बच्चे, माँ बाप भी कहते हैं कि बच्चे मुझे सुनो, जबकि घर में भी गीता पाठशाला इस बात की है, लेकिन साथ ही साथ डागली पढ़ाई पढ़ाने के लिए भी भेजते हैं, लेकिन बच्चे मानते नहीं ना, वो कहते हैं हमको तो पढ़ना है, हमको जाना है। अरे बचपन से कोई बच्चा को सिखाया जाएगा तो जैसा सिखाया जाएगा वैसा सीखेगा, या बाहर की दुनिया की बात सीखे जाएगा? बाहर की दुनिया में स्कूलों में सिखाया जाता है पढ़ाई पढ़ो, घर में थोड़े सिखाया जाता है।